हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपनी मैथ्स की नई सीरीज़। तो देखिए, हम लोगों ने अभी इसमें एवरेज पढ़ रहे थे। तो एवरेज में हम लोगों ने क्या पढ़ लिया था कि किस तरीके से नंबर्स को ए प्लस बी प्लस सी और जो नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस होते हैं वो सारे, और नीचे यहाँ पे क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस। इस तरीके से हम लोग क्या कर रहे थे, एवरेज को निकाल रहे थे। ठीक है, तो इसी सीरीज़ में हम लोगों ने ये भी देखा था कि अगर हम लोगों को एवरेज दिया हुआ हो और नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस पता हो तो हम उसका सम निकाल सकते हैं। ये बात मैं पहले अपने वीडियोस में बता चुका हूँ कि अगर हम लोगों को सम निकालना होता है तो एवरेज को किसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो भी नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस होते हैं उनके साथ मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। तो इसी के ऊपर बेस्ड मैंने कुछ क्वेश्चन आप लोगों को पहले भी बताए थे। तो चलिए, इसी में एक क्वेश्चन और हम लोग सॉल्व कर लेते हैं एवरेज से ही रिलेटेड। तो इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि द एवरेज ऑफ 11 रिजल्ट्स, ठीक है, 11 रिजल्ट्स हैं, इन 11 रिजल्ट्स का जो एवरेज है वो है 50। फिर उसके बाद बोलता है कि द एवरेज ऑफ फर्स्ट सिक्स, ठीक, तो जो फर्स्ट सिक्स नंबर्स हैं, फर्स्ट सिक्स नंबर्स या फर्स्ट सिक्स रिजल्ट्स, उनका जो एवरेज आ रहा है वो दिया हुआ है हमको 49। फिर कहता है एंड दैट ऑफ द लास्ट सिक्स, दैट ऑफ द लास्ट सिक्स रिजल्ट्स, इनका एवरेज हम लोगों को दे रखा है 52। ये इस तरीके से कह रहे हैं कि 11 रिजल्ट्स का 50 है, टोटल 11 रिजल्ट्स हैं, टोटल 11 नंबर्स हैं, और पहले सिक्स रिजल्ट्स का 49 है, लास्ट सिक्स का, तो अगर आप इनको देखेंगे तो 6 + 6 = 12 रिजल्ट्स यहाँ पे टोटल हो गए हैं। तो हमसे पूछ रहा है कि जो सिक्स रिजल्ट है, जो सिक्स नंबर है वो क्या होगा, ये इसने यहाँ पे पूछा है हमसे कि सिक्स रिज़ल्ट क्या होगा। तो इसके लिए देखिए दोस्तों, अगर हम आप ये इसको ऐसे समझें कि यहाँ पे फर्स्ट नंबर रहेगा, यहाँ पे सेकंड नंबर रहेगा, यहाँ पे थर्ड रहेगा, ये इस तरीके से चलता जाएगा। तो अगर हम ये चलता जाएगा तो हमारे पास टोटल 11 कितने रिज़ल्ट हैं, 11 रिज़ल्ट हैं, तो यहाँ पर टोटल 11 नंबर्स हमारे पास आ जाएंगे। तो अब अगर आप इस चीज़ को देखेंगे तो आपको यहाँ पर नज़र आएगा कि ये जो सिक्स्थ रिज़ल्ट है, मतलब कि जो 6 नंबर है, मैं अगर मैं शुरुआत से लिखना चाहूँ तो मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, पहले 6 रिजल्ट्स, तो इसका मतलब ये मेरे पास, मैंने कह दिया कि फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड, इस तरीके से चलता रहा और बीच में ये सिक्स्थ नंबर आया, फिर प्लस सेवन्थ नंबर, एट्थ नंबर, ये चलता रहा और लास्ट में हमारे पास 11th नंबर आया। तो अगर मैं ये शुरुआत से 6 नंबर्स को जोड़ूँ तो ये 6 हो गए, और फिर लास्ट से जोड़ूँ तो ये 6 हो गए। तो ये जो 6 सिक्स्थ नंबर है, ये सिक्स नंबर मेरे पास दो बार रिपीट हो रहा है, एक बार इधर से जोड़ने में और एक बार लास्ट से जोड़ने में। तो कहने का क्या मतलब है कि अगर आप ये शुरुआत के 6 रिजल्ट का सम लेंगे तो वो कितना आ जाएगा, वो यहाँ से आप लोगों को मिल जाएगा, क्योंकि आप लोगों को 6 रिजल्ट दिए हुए हैं 49। तो इसका मतलब शुरुआत के जो 6 रिजल्ट हैं उनका जो टोटल सम है वो है 6 × 49, और जो बाद के 6 रिजल्ट हैं उनका टोटल सम कितना है, 6 × 52। अब अगर आपको पता है कि ये शुरुआत के 6 रिजल्ट्स और ये बाद के 6 रिजल्ट्स, लेकिन इसमें ये जो छठा रिज़ल्ट है ये दो बार आ गया है और हमको लेना केवल एक बार है, तो इसका मतलब है कि ये सिक्स रिज़ल्ट को मुझे यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, और ये जो सिक्स रिज़ल्ट है अगर मैं इसको एक्स मान लूँ तो मुझे ये सिक्स रिज़ल्ट को एक बार घटाना पड़ेगा, क्योंकि ये दो बार जुड़ चुका है, एक बार शुरू से और एक बार अंत से, और लेना केवल एक ही बार है। तो इस वजह से मैंने इसको यहाँ पर एक ये सब्ट्रैक्ट कर दिया, और ये यहाँ पर अब किसके इक्वल हो जाएगा, ये टोटल एवरेज के इक्वल हो जाएगा, जो टोटल सम है हमारे पास 11 रिजल्ट्स का, तो 11 रिजल्ट्स का 50 है, तो इसका मतलब यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये 11 × 50, ठीक है, तो ये 11 × 50 इस तरीके से ये निकल आएगा। अब आपको यहाँ पे सिर्फ x की वैल्यू को फाइंड करना है, तो अब आप आसानी से इसको सॉल्व करेंगे और यहाँ पे x की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए, इस तरीके से आपके जो भी क्वेश्चन होंगे तो आपको बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट लेकर के चलने हैं और उसको सॉल्व किया जा सकता है। तो दोस्तों, ये हमारे पास एवरेज से रिलेटेड कुछ जनरल बात थी। अब आज हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन को रीड करेंगे। तो देखिए, रेशियोज़ नाउ, रेशियो क्या होता है, रेशियो आपका इस तरीके से ए अपॉन बी के फॉर्म में या पी अपॉन क्यू के फॉर्म में कोई भी नंबर दे दिया जाएगा तो उसको हम लोग रेशियो बोलते हैं। अब अगर हम लोगों को इस तरीके से ये रेशियो दिया है तो इसको लिखने का एक और तरीका है, P:Q या A:B, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब देखिए, इसको बोलते हैं हम लोग न्यूमरेटर, न्यूमरेटर का मतलब हो गया हिंदी में अंश, और इसको हम लोग बोलते हैं डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर का मतलब हो गया हर। तो ये हमारे पास न्यूमरेटर है और ये नीचे वाला हमारे पास डिनोमिनेटर होता है। अब रेशियो का सीधा सा फंडा ये है
जहाँ पे भी आपको रेशियो दिया जाएगा, तो आपको क्या करना है कि मान लीजिए मेरे पास दिया हुआ है ए अपॉन बी। अगर मैंने मान लीजिए कह दिया कि न्यूमरेटर को 1 से बढ़ाया गया, तो आपको न्यूमरेटर में 1 प्लस कर देना है। और अगर मैंने कहा कि डिनोमिनेटर को 1 से सब्ट्रैक्ट कर दिया गया, तो ये आपने सब्ट्रैक्ट कर दिया। इस तरीके से मेरे पास ये एक नया रेशियो आ जाएगा, मतलब कि जो काम जहाँ पे करने को बोल रहा होगा वह काम वहाँ पे कर लिया जाएगा। ठीक, तो जो ऊपर करना है, जो भी क्वेश्चन में बोले वो करिएगा, जो डिनोमिनेटर में बोले वो डिनोमिनेटर के साथ करना है। मेन चीज़ है कि ये न्यूमरेटर होता है, ये डिनोमिनेटर होता है। न्यूमरेटर बड़ा भी हो सकता है डिनोमिनेटर से, और डिनोमिनेटर भी बड़ा हो सकता है न्यूमरेटर से। तो वो डेफिनेशंस में हमको नहीं जाना है, मेनली क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो अब देखिए हमारे पास इस तरीके के क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, इसके जो भी हमारे रेशियो एंड प्रोपोर्शन से रिलेटेड रहेंगे। तो रेशियोज़ के केस में अगर मैंने कह दिया कि मेरे पास कोई भी नंबर लिखा हुआ है ए, जब इसके अपॉन में कुछ नहीं है तो समझिए कि इसके अपॉन में क्या है, 1। ये मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ। इसी तरीके से मेरे पास कोई दूसरा नंबर है बी, जब इसके अपॉन में कुछ नहीं है तो इसके अपॉन में क्या है, 1। और अगर मैंने कह दिया कि ए और बी बराबर हैं, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए इज़ इक्वल्स टू बी। तो अब ये यहाँ पे देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी आपको आना चाहिए कि हम नंबर्स को इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और ये ऐसे भी लिखा जा सकता है, ए अपॉन बी इज़ इक्वल्स टू 1। ठीक, वो नंबर ऊपर भी जा सकता है, नंबर नीचे भी आ सकता है, इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये सीधा सा बेसिक कॉन्सेप्ट है। इसी तरीके से अगर ये मान लीजिए कि मेरे पास लिखा होता है ए अपॉन बी इज़ इक्वल्स टू सी अपॉन डी, ये ऐसे लिख दिया मैंने, तो अब ये यहाँ पर आपस में क्या हो सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई किए जा सकते हैं। और ये क्रॉस मल्टीप्लाई होंगे तो ये हो गया ए इंटू डी, और ये जो दूसरा वाला है ये हो गया बी इंटू सी। इस तरीके से भी हम इसको लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। दूसरी चीज़, अगर आपको कोई प्रोपोर्शन ना दिया हो, कोई रेशियो ना दिया हो, तो वो भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर मैंने कहा कि मेरे पास कोई रेशियो है ए अपॉन बी और ये इक्वल है 2 के, तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ये ए की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, तो सिंपल सी बात है कि आपको ये भी यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, ए इज़ इक्वल्स टू 2 इंटू बी। कुछ भी आपको दे दिया जाए, अगर मान लीजिए आप लोगों को दे दिया गया ए अपॉन एक्स और ये कह दिया गया कि ये 3 अपॉन 2 के बराबर है, अब आपसे यहाँ पे x की वैल्यू पूछ ली जाए, तो आपको क्या करना है, x को इधर भेज देना है, 2 को इधर भेज देना है, तो ये 2 इधर चला जाएगा और ये x इसके साथ, तो ये 2 a के साथ मल्टीप्लाई हो गया, और ये जो x है ये 3 के साथ मल्टीप्लाई हो गया, तो ये हो गया 3x। अब ये यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में है, तो आपको ये नीचे ले आना है डिवाइड में, तो ये आपका इस तरीके से आ जाएगा। बिल्कुल बेसिक से हैं ये, जिसमें कि आपको कोई परेशानी यहाँ पर नहीं होगी। तो अब हम इसी चीज़ को आगे बढ़ाते हैं और इसको बोलते हैं प्रोपोर्शन। ठीक है, तो अब हम लोगों ने प्रोपोर्शन को डील करना है। तो प्रोपोर्शन के केस में देखिए कुछ नहीं है, वही चीज़ जो मैं अभी आपको न्यूमेरिकल के थ्रू बता रहा था उसको फिर से ऐसे लिख दे रहा हूँ, ए अपॉन बी इज़ इक्वल्स टू सी अपॉन डी, ये मैंने ऐसे लिख दिया है। अब मैं चाहूँ तो इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, ए इज टू बी डबल इज टू सी इज टू डी, ऐसे भी इसको पढ़ा जा सकता है, ए अपॉन बी इज़ इक्वल्स टू सी अपॉन डी को ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो देखिए ये मेरे पास फर्स्ट नंबर हो गया यहाँ पे, ठीक है, ये मेरे पास सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया और ये फोर्थ हो गया, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। ये जो अंदर वाले टर्म्स आपको दिखाई पड़ रहे हैं, ये दोनों टर्म्स मेरे मीन्स बोले जाते हैं, अंदर वाले टर्म्स। और ये जो बाहर वाले टर्म आपको दिखाई पड़ रहे हैं दोनों बाहर की तरफ में, इन बाहर वाले टर्म्स को हम लोग एक्सट्रीम्स करके डिनोट करते हैं कि वो मीन्स हो गया और ये मेरे पास क्या हो गया है, एक्सट्रीम्स हो गया है। तो मैं इस तरीके से नंबर्स को अपना बना सकता हूँ। अब देखिए जो मीन्स हैं इनको अगर आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये बराबर आएंगे जो एक्सट्रीम्स हैं उनके, कहने का मतलब वही चीज़ जो मैंने अभी यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करवा करके आपको बता दिया था। तो ये देखिए दोनों अंदर मीन्स हैं बी और सी, और ये दोनों एक्सट्रीम हैं, तो ये दोनों क्या रहेंगे, बराबर ही तो रहेंगे, ए इंटू डी इज़ इक्वल्स टू बी इंटू सी। तो ये चीज़ यहाँ पे हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये जो ए इंटू डी है ये किसके बराबर हो जाएगा, बी इंटू सी के, बी इंटू सी के। ठीक है, तो ये आसानी से हम लोग इसको लिख सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये क्लियर है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब इसमें और कुछ क्वेश्चंस को हम लोग उठाते हैं। अब कभी कभी हमको कहता है कि थर्ड प्रोपोर्शन निकालिए, क्या निकालिए, थर्ड प्रोपोर्शन, थर्ड रेशियो या थर्ड प्रोपोर्शन। तो उस केस में देखिए क्या करना होता है, आपको पता होगा कि अभी मैंने बताया ए इज़ टू बी, ठीक है, और फिर यहाँ पर हमको तीसरा प्रोपोर्शन दिया नहीं हुआ है,
तो हम जब तीसरा प्रोपोर्शन नहीं दिया होता है, मतलब कि ये एक्स है और ये कह दिया यहाँ पे सीधे से सी, तो ये तीसरा प्रोपोर्शन मुझे नहीं दिया होता है। तो जब ये तीसरा प्रोपोर्शन ना दिया हो तो समझ लीजिए कि ये जो दूसरा वाला है यही तीसरा है, मतलब कि ये एक्स ही बी है, ये एक्स ही बी है। तो मैंने अगर तीन नंबर दे दिए इस तरीके से, तो ये जो मिडिल वाला टर्म है ये दोनों के लिए बन जाएगा ए अपॉन बी, ये इक्वल हो जाएगा बी अपॉन सी। ऐसे इसको लिखा जा सकता है, ये बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है, आप इसको ऐसे समझ लीजिए। तो ये अगर हमारे पास रेशियोज़ में है तो हम ए अपॉन बी इज इक्वल्स टू बी अपॉन सी करके डिनोट कर सकते हैं, तो इसमें भी कोई समस्या की बात हमारे पास नहीं है। अब देखिए, अगर यहाँ पे कोई क्वेश्चन दे दिया जाए कि सपोज़ अगर हमने कहा कि राम और श्याम की जो इनकम है वो 2:3 है, ठीक है, हमने कह दिया राम और श्याम की जो इनकम है वो 2:3 के रेशियो में है, जो टोटल इनकम है उनकी, और हमने कह दिया कि जो उनकी सेविंग्स का रेशियो है, जो उनकी सेविंग्स का रेशियो है वो सेविंग्स का रेशियो राम और श्याम वो कितना है, वो हमने कह दिया 1:2 के रेशियो में है। ये हमारे पास सेविंग्स हो गया, ये हमारे पास इनकम हो गया। अब अगर हमसे पूछा जाएगा कि बताइए उनका जो एक्सपेंडिचर होता है वो किस रेशियो में आएगा, तो अब देखिए एक बेसिक कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पे बता दूँ कि ये जो 2:3 है, ये 2:3 उनकी इनकम नहीं है, ये उनकी इनकम का रेशियो है। और जब ये रेशियो बनता है तो ये रेशियो कैसे बना होगा, कोई एक कॉमन नंबर दोनों से कट किया होगा और ये अपने स्मॉलेस्ट फॉर्म में यहाँ पर लिखा गया है, अपने स्मॉलेस्ट फॉर्म में। तो इसका मतलब है कि हम लोगों ने यहाँ से कोई कॉमन नंबर कट किया होगा और वो कॉमन नंबर मैं यहाँ पर एक्स करके मान लेता हूँ, एज्यूम कर लेता हूँ। उसी तरीके से यहाँ पर भी वही कहानी हुई होगी, तो यहाँ पे लेकिन वो x नहीं रहा होगा, वो कोई दूसरा नंबर रहा होगा, हमको पता तो है नहीं। तो एक बार हमने x मान लिया और दूसरे में हम लोगों ने y मान लिया। इस तरीके से देखिए अब हम लोग इक्वेशन फॉर्म करके कैसे धीमे धीमे बढ़ेंगे वो दिखा रहे हैं। अब आपको पता है कि राम की जो इनकम है वो राम की इनकम कितनी है 2x, और जो श्याम की इनकम थी वो कितनी है 3x। राम की सेविंग है 2y और श्याम की सेविंग 1y और श्याम की सेविंग है 2y। तो आपको पता है कि अगर मैं आपसे पूछ रहा हूँ एक्सपेंडिचर, तो एक्सपेंडिचर कैसे निकाला जाता है, कभी भी आपको एक्सपेंडिचर निकालना होगा तो एक्सपेंडिचर हम लोग कैसे निकालते हैं, जो भी इनकम होती है उसमें से सेविंग्स सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, इनकम में से सेविंग्स को हटा दिया जाएगा। तो अब मेरे पास यहाँ पे अगर एक्सपेंडिचर मुझे राम का निकालना है तो राम के एक्सपेंडिचर के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 2x में से 1y को सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो अगर मैं राम के लिए देखूँ, राम के लिए एक्सपेंडिचर देखूं, तो राम के लिए एक्सपेंडिचर कैसे निकलेगा, राम की इनकम माइनस राम की सेविंग, और राम की सेविंग है वाई। इसी तरीके से श्याम के लिए अगर मैं देखूं, तो श्याम के केस में मेरे पास उसकी इनकम कितनी है 3x और सेविंग कितनी है माइनस 2y। इस तरीके से ये मेरे पास राम का एक्सपेंडिचर और श्याम का एक्सपेंडिचर मिल जाएगा। और जो भी उसमें मुझे अब क्वेश्चन दिया होगा कि हो सकता है ऐसा दे दिया जाए कि राम का एक्सपेंडिचर 2000 रुपया है, वो एक्सपेंडिचर 2000 रुपये है और श्याम का एक्सपेंडिचर 3000 रुपये है, तो देखिए मेरे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी। फिर अगर मैंने कह दिया कि राम का एक्सपेंडिचर 2000 है तो 2x माइनस वाई किसके बराबर हो गया 2000 के बराबर, और मैंने कह दिया कि श्याम का जो था 3x माइनस 2y ये किसके बराबर है 3000 के बराबर। तो अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं ठीक आसानी से। तो ये इन दोनों को अब सॉल्व कैसे किया जाएगा उसके लिए हम लोग आगे देखेंगे, अगर जिसको आता है तो वो आसानी से इसको सॉल्व कर सकता है। तो फिलहाल ये रेशियो का एक बेसिक जो हम लोगों ने वहाँ पे सीखा कि कैसे उनको यूज़ करना है उसका एक ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन था। फिलहाल अभी हम लोग रेशियो में और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर देखते हैं कि अगर मुझे कोई भी रेशियो इस तरीके से दे दिया जाए और मैं ऊपर नीचे उसमें कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करूं तो रेशियो में किसी भी तरीके का चेंज नहीं आता है। अगर मैंने कह दिया कि मेरे पास नंबर दिया है 2:3 और मैंने यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई करवाया तो नीचे भी वही करना पड़ेगा, तब रेशियो में कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा और ये वापस 2:3 लिखा जा सकता है। लेकिन अगर कोई रेशियो दिया हो a/b और उसमें कहें कि ऊपर जोड़ दिया 2 नीचे भी जोड़ दिया 2 तो ये रेशियो चेंज हो जाता है, ये रेशियो अब a/b नहीं रहेगा क्योंकि ऊपर और नीचे प्लस हुआ है। देखिए प्लस और जब माइनस होगा ऊपर नीचे तो रेशियो बदल जाते हैं,
डिवाइड और मल्टीप्लाई के केस में नहीं बदलते हैं। अगर यहाँ पे ए अपॉन बी लिखा होता और ए को भी दो से डिवाइड कर दो, बी को भी दो से डिवाइड कर दो, तो इस रेशियो में कोई चेंज नहीं आएगा और ये रेशियो ए अपॉन बी ही रहेगा। ये बहुत बेसिक फंडा, वीडियो को रोक करके फिर से सोच लीजिए, करके देख लीजिए, दो तीन नंबर्स के साथ आपको ये चीज़ बेसिक क्लियर हो जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं करके दिखाता हूँ कि अगर मेरे पास लिखा हुआ है 2/3 और मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई करवाया 3 का और यहाँ पे मल्टीप्लाई करवाया 3 का, तो मेरे पास नंबर आ गया 6/9। और अगर मैं देखूँगा तो ये 3 की टेबल से कटेगा, 3 2 6, 3 3 9, तो देखिए वापस क्या आ गया, 3/2, कोई चेंज नहीं हुआ। चलिए इसको और समझते हैं। अगर इसी चीज़ को हम लोग ऐसे कर दें कि मैंने लिख दिया यहाँ पर 2/3 और ऊपर मैंने यहाँ पे कहा +2 और नीचे कर दिया +2, अब देखिए मेरे पास क्या बन गया, 2+2 4 और 3+2 5। मेरे पास पहले नंबर था 2/3 और जब मैंने ऊपर नीचे सेम का प्लस करवाया तो मेरे पास नंबर हो गया 4/5। इसका मतलब है कि मेरा रेशियो जो है वो चेंज हो गया। तो इसका मतलब क्या होता है कि प्लस और माइनस करने पे अगर ऊपर नीचे प्लस माइनस होगा तो रेशियो बदल जाएगा, लेकिन मल्टीप्लाई और डिवाइड करने पे रेशियो चेंज नहीं होता है। दिस इज़ द बेसिक कॉन्सेप्ट, और समझते हैं इस चीज़ को। अगर आपको कहीं पर भी दिया हुआ है 1/a/b ऐसे लिखा हुआ है कोई नंबर, ठीक है, फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको इस तरीके के क्वेश्चन बताए थे, तो इसका क्या मतलब होता है, ये बड़ा वाला अपॉन है और इस बड़े वाले अपॉन के नीचे ये छोटा अपॉन है, तो ये नंबर रेसिप्रोकल होकर के, रेसिप्रोकल का मतलब जैसे मैं कहूँ ए, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, तो इसका रेसिप्रोकल होगा 1/a, पलट जाएगा, इसके अपॉन में कुछ नहीं है, ये ए अपॉन 1 था, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/a हो जाएगा। मैंने कहा कोई नंबर है b/a, इसका रेसिप्रोकल करो तो इसको पलट दो, तो पलटने का मतलब क्या हो गया कि ये नंबर हो जाएगा मेरे पास a/b, इक्वल नहीं होगा, ये रेसिप्रोकल हो गया इसका। कोई भी नंबर आपको दिया जाए, मान लो कि 2 का रेसिप्रोकल क्या 1/2, कोई नंबर दिया है मान लीजिए 3/2, इसका रेसिप्रोकल क्या 2/3, तो इस तरीके से ये रेसिप्रोकल होते हैं। तो अब यही चीज़ मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि अगर मेरे पास इस तरीके से कुछ लिखा हुआ है 1/a/b, तो इसको क्या करना है, इसको ऐसे लिख लिया जा सकता है, 1 तो वैसे ही पड़ा रहेगा और ये नंबर जो नीचे लिखा हुआ है बड़े वाले के अपॉन में, ये रेसिप्रोकल होकर के मल्टीप्लाई हो जाता है, मतलब कि b/a, ऐसे लिख सकते हैं, या इसको आप ऐसे समझ लीजिए कि ये जो नीचे वाला है ये सीधे ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, जो भी नंबर ऊपर लिखा रहेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मेरे पास लिखा हुआ है 1/2/3 इस तरीके से, तो मैं इसको लिख सकता हूँ, ये सीधे 3 को मैं ऊपर भेज दूंगा, तो ये 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और 3 आएगा, 3/2। इसको और समझते हैं चीज़ को। अगर मेरे पास नंबर लिखा हो, मान लिया 2/3 अपॉन, बड़ा अपॉन लगा दिया 4/5, तो मैंने बताया था कि ये जो ऊपर लिखा होता है उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाता है नीचे वाले का रेसिप्रोकल, तो आप इसका रेसिप्रोकल कर लीजिए, तो देखिए ऊपर वाला नंबर वैसे ही लिख दिया और मल्टीप्लाई करवा दिया नीचे वाले का रेसिप्रोकल, तो ये हो गया 5/4 और ये मेरे पास आ गया 10/12। अब आप इसको कैंसिल कर लीजिए, 2 5 10, 2 6 12, तो फाइनल आंसर आ गया 5/6। तो ये ऐसे लिखा जा सकता है, ये बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कोई इसमें दिक्कत वाली बात है नहीं। तो ये बेसिक्स हैं, बिल्कुल बेसिक्स को पकड़िए। जनरली आपको पता भी होगा कि आज हमारा नोटिफिकेशन भी आ गया है कि UGC जो नेट है या जो और भी सेट और इस तरीके से जो परीक्षाएं हैं वो अपना फॉर्मेट चेंज कर दिए हैं, तो UGC नेट ने भी अपना फॉर्मेट आज चेंज करके दिया हुआ है, तो उसमें बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपसे पूछे जाएंगे। तो 100 मार्क्स का फर्स्ट पेपर होता है, तो इसमें आप अच्छा खासा स्कोर कर सकते हैं अगर बिल्कुल बेसिक्स को पकड़ करके चलें, ठीक है। तो कोई समस्या की बात नहीं है, आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके के आपके जो वन डे एग्जामिनेशन हैं DSSB और जिनमें आपकी GS की नॉलेज और कंप्यूटर नॉलेज और इंग्लिश प्लस मैथ्स मांगता है, तो उसमें जो घबराने वाले बच्चे हैं उनको मैथ्स से डर लगता है, तो बिल्कुल बेसिक्स को आप पकड़िए, बाकी सब्जेक्ट्स में अपनी कमांड बनाइए और उनसे मार्क्स स्कोर करिए, और मैथ्स में जो मिनिमम कट ऑफ होती है एटलीस्ट उस लेवल का सॉल्व करने लायक आप लोगों को करना है,
ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग इसी तरीके से। एक आध हम लोग देखिए कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। अब जैसे हमने कह दिया कि एक क्वेश्चन दे दिया कि मान लीजिए मेरे पास कोई नंबर है और हमने कहा व्हाट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड, ठीक है, व्हाट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम बोथ द टर्म्स ऑफ द रेशियो 15:19। अगर मेरे पास ये नंबर लिखा हुआ है 15:19, पूछ रहे हैं कि इन दोनों से क्या घटाया जाए, कौन सा नंबर सब्ट्रैक्ट किया जाए कि ये जो रेशियो है ये रेशियो बन जाए 3:4। तो इस तरीके का जब क्वेश्चन होता है कि इससे क्या घटाएं, तो हम कह देते हैं कि इससे एक्स घटा दें, इससे भी एक्स घटा दें, क्योंकि जो काम ऊपर कर रहे हैं वही नीचे भी करने को बोल रहा है, दोनों से सेम नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है। तो अगर दोनों से सेम नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है तो हमने कह दिया 15-x और नीचे आ गया 19-x। अब आपको सिंपल सा कुछ नहीं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। और दूसरी चीज़ ये याद रखना है, ये दोनों नंबर ब्रैकेट में बंद हैं और ये दोनों नंबर भी ब्रैकेट में बंद हैं। जब भी इस तरीके से दो टर्म्स दिखाई पड़े आपको, ठीक है, दो टर्म्स बाइनोमियल दिखाई पड़े, तो समझ लीजिए कि उनको ब्रैकेट में बंद करना है, तब मल्टीप्लाई करवाना है। अब फोर्स के साथ इसको मल्टीप्लाई करवाइए, 4 15-x और ये 3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारा पूरा 19-x। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं आसानी के साथ। देखिए 15 और 4 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो हम यहाँ पे 4 × 15 लिख देंगे, फिर 4 वाला x के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -4x होगा, इज़ इक्वल्स टू ये 3 वाला 19 के साथ मल्टीप्लाई होगा और ये 3 वाला x के साथ मल्टीप्लाई होगा अपने साइन के साथ, ठीक है। तो ये हमारे पास आप इसको सॉल्व करेंगे, x को एक तरफ लिख लेंगे और ये वाले टर्म एक तरफ कर लेंगे, तो हमारे पास आसानी से इसका आंसर आ जाएगा, कोई समस्या की बात नहीं है, ठीक है। तो आप इसको अब चाहें तो सॉल्व कर सकते हैं, 15 × 60 -4x और ये 57, ठीक है, और ये -3x। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, 57 को इधर भेज दीजिए, 4x को इधर ले आइए, 57 को इधर ले आइए, 4x को इधर ले आइए। जब इधर उधर जाते हैं तो साइन चेंज हो जाते हैं और साइन चेंज हो जाएंगे तो ये हमारे पास किस तरीके से बन जाएगा, देखिए यहाँ पे हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, 60-57 इक्वल्स टू ये 4x इस साइड में चला जाएगा तो ये 4x प्लस में आ जाएगा, 4x माइनस 3x। तो इस तरीके से मैं यहाँ पे इसको लिख सकता हूँ, तो मेरे पास ये आ गया 60-57 कितना 3 और 4x-3x कितना 4-3 मतलब कि 1, तो 1x, तो x की वैल्यू मेरे पास यहाँ पे 3 आ गई है। तो देखिए दोस्तों इस तरीके से हम लोग इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, तो आप कोशिश करिएगा कि कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने की, तो आसानी से आप लोगों को भी ये क्वेश्चंस आ जाएंगे। तो अब देखिए मैं एक और क्वेश्चन करके देखता हूँ, द रेशियो ऑफ द टू नंबर्स इज 3:8। दो नंबर्स का रेशियो दे रखा है, जब आपको नंबर्स दिए नहीं होते हैं तो आप उनको एज्यूम करवा लीजिए, मान लीजिए कि a अपॉन b और ये दोनों का रेशियो कितना दिया हुआ है 3:8 मतलब कि 3:8, ठीक है। फिर ये कह रहे हैं कि उनका जो डिफरेंस है वो 115 है, दो नंबर्स का रेशियो ये है और इन दोनों नंबर्स का डिफरेंस 115 है। अब हमको पता नहीं है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, जनरली आपको पता होगा कि अगर ये 3 है और ये 8 है तो जाहिर सी बात है कि ये रेशियो ज़्यादा दिखाई पड़ रहा है, ये नंबर बड़ा छोटा दिखाई पड़ रहा है, तो यही छोटा है और ये बड़ा है, तो इसका मतलब बी में से 8 सब सब्ट्रैक्ट कर दीजिए और लिखा हुआ है कि ये कितना है 115, देयर डिफरेंस इज 115। तो पूछ रहा है कि स्मॉलर नंबर क्या होगा, तो देखिए एक इक्वेशन आपकी यहाँ से बन जाएगी, इस वाले को सॉल्व करेंगे, दूसरी इक्वेशन आपको ये दी हुई है। तो देखिए मैं पहली इक्वेशन को सॉल्व करता हूँ और उससे सॉल्यूशंस निकालते हैं। तो अगर मैं पहली इक्वेशन को देखूँ तो मैं 8 को इधर भेज दूँगा और b को इधर भेज दूँगा क्रॉस मल्टीप्लाई, तो मेरे पास ये जो पहली इक्वेशन है ये इक्वेशन बन जाएगी 8a इक्वल्स टू 3b, ठीक है। 8a किसके बराबर हो गया, 3b के बराबर हो गया। अब 8a अगर 3b के बराबर है तो मैं इस 3b को इस साइड में ले आ रहा हूँ, यहाँ क्या बचेगा, 0, तो ऐसे भी लिखा जा सकता है 8a-3b = 0, क्योंकि यहाँ पे अब कुछ है ही नहीं तो ये 0 हो गया। तो मेरे पास एक इक्वेशन ये आ गई। अब देखिए एक इक्वेशन ये है b-a = 115 और एक इक्वेशन ये है 8a-3b = 0। अब इसको कैसे सॉल्व करना है,
सिंपल है, कोई समस्या नहीं है इसमें भी। अब हम लोगों को दिया हुआ है b माइनस ए इज इक्वल्स टू 115, और दूसरी इक्वेशन लिखी हुई है 8a माइनस 3b इज इक्वल्स टू 0, 8a माइनस 3b इक्वल्स टू 0। अब आपको क्या करना है, इन इक्वेशन को सॉल्व करना है। इन इक्वेशन को सॉल्व कैसे किया जाएगा, चाहे तो आप यहाँ से b की वैल्यू को a के में रख दीजिए या a की वैल्यू को b वाले में रख दीजिए, नहीं तो जो लीनियर इक्वेशंस अगर आपने पढ़े हुए हैं तो उससे इसको सॉल्व कर लेंगे। अगर ये सॉल्व करना नहीं आता है तो लीनियर इक्वेशंस अभी हम जल्दी आ जाएंगे दूसरे एक दो लेक्चर्स के बाद, तब आपको मैं ये बता दूंगा कि इसको कैसे सॉल्व करना है। फिलहाल फॉर द टाइम बीइंग आप यहाँ पे सिंपल सा समझिए कि हम लोग यहाँ पे इस a को कैंसिल करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे a निगेटिव में है और यहाँ पे a पॉजिटिव में है, लेकिन इनका जो कोफिशियंट है वो सेम नहीं है, तो यहाँ पे मुझे 8 करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे 8 है। यहाँ 8 करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पूरी इक्वेशन को 8 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो पूरी इक्वेशन को मैं 8 से मल्टीप्लाई करने जा रहा हूँ, क्यों, क्योंकि जो चेंज मैं यहाँ करवाऊँगा लेफ्ट हैंड साइड में, वही चेंज मुझे राइट हैंड साइड में भी करवाना पड़ेगा। तो मैं 8 का मल्टीप्लिकेशन इस पूरी इक्वेशन में करूँगा, फर्स्ट इक्वेशन में। तो इस फर्स्ट इक्वेशन में 8 का मल्टीप्लिकेशन कर दूंगा, तो ये मेरे पास इक्वेशन अब कैसी चेंज हो जाएगी। देखिए इस इक्वेशन को मैं इसके नीचे लिखूंगा, और a वाले के नीचे a वाला लिखूंगा, b के नीचे b वाले को लिखूंगा। 8 मल्टीप्लाई होगा b के साथ तो कितना आएगा, 8b, 8b मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, और प्लस में आएगा, प्लस में आएगा, प्लस में लिख दे रहे हैं। और ये a के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो कितना आया, माइनस 8a, क्योंकि a के साथ माइनस साइन भी है। और ये इक्वल्स टू 115 के साथ 8 का मल्टीप्लिकेशन, तो 115 के साथ 8 का मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो 115 × 8, ये अब ये आसानी से सॉल्व हो सकता है। इन दोनों इक्वेशन को सिंपल आप लोग ऐड कर लीजिए, तो अगर आप इनको ऐड करेंगे तो आपको दिखाई पड़ेगा ये दोनों क्या हो गए, कैंसिल हो गए, क्योंकि ये प्लस में है ये निगेटिव में है, कैंसिल हो गए। और 8 माइनस 3 कितना आ गया, 5b, तो 5b किसके बराबर आया, 115 × 8, ठीक है। अब b की वैल्यू चाहिए तो b की वैल्यू कैसे निकालें, हम लोग यहाँ पे b इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, 115 × 8 लिखा हुआ है, तो 115 × 8 क्या हो जाएगा मेरे पास, 115 × 8/5। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए और आंसर आपको मिल जाएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, अब हम लोगों ने इस तरीके से आज रेशियो एंड प्रोपोर्शन को काफ़ी देखा, उनके बेसिक कॉन्सेप्ट को सीखा है। तो अब आप लोग इसके जो क्वेश्चन हैं बेसिक्स वो लगाइए, और फिर मैं इसका जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें आपको और इसके बारे में बताऊंगा, और फिर हम लोग हायर क्वेश्चंस को डील करेंगे थोड़ा सा जो कॉम्पिटिशन्स में आते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको आप लोग शेयर करिए, क्योंकि YouTube में जब आप इसको शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, तो ये YouTube इसको स्प्लिट कर देता है और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा ये मिल पाता है। तो आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं उनके साथ आप इसे शेयर कर सकते हैं ताकि उनका भी कुछ भला हो जाए। तो ऑल द बेस्ट, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।